नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मैंने अपना नया माइक सेटअप कर लिया है, तो आप लोग बताइएगा कि वॉइस आप लोगों को क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये नया माइक आ चुका है। गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात और, जो मैंने आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करवाई थी जो मैं आप लोगों को आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो उस पे से भी हम लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट अच्छा हुआ, प्लस जो आप लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू थे तो उन लोगों को भी हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड हो नहीं रहा है, तो हम लोग सीधा टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं और मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा कि जो हमारे स्क्रीनशॉट्स थे, या तो हम देख सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने 4th अगस्त को यहाँ पर कॉल्स प्रोवाइड कराई थी। अगर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नाम का यह हमारा लोगो लगा हुआ है, आप लोगों को भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइडेड है। कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं मैं आप लोगों को, यहां आप देख सकते हैं जैसे 5000 का कैडिला में प्रॉफिट हुआ, यहां पर कैडिला BEL में प्रॉफिट हुआ, यहां पर BEL इंडिया बुंड हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ, आप जिस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी कल सर्विस ली गई थी और 5000 का प्रॉफिट उन्हें आज हो गया था, रिकवर्ड कर लिया तो उन्होंने अपनी पूरी फी एक ही दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ मेरे कुछ पर्सनल लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स थे जो मैंने अभी भी होल्ड कर रखे हैं। फिन केबल्स 196 पे 270 है, अराउंड 37% का रिटर्न दे रहा है, प्लस बजाज फाइनेंस में मेरे पास होल्ड है 2237 से और 3238 चल रहा है, 44% का रिटर्न दे रहा है। गाइस, मेरे लिए बेसिकली जो है वो रिटर्न मायने रखता है, क्योंकि रिटर्न ही मेरे कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है। मैं अगर प्रॉफिट के पीछे भागूंगा तो मेरा एट अ टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर मुझे अपना लॉस को ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो गाइस, इस हिसाब से मैं प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं अपने परसेंटेज वाइज ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये मेरे कुछ फ्यू लॉन्ग टर्म स्टॉक्स थे और मैंने अपने क्लाइंट्स को आज 6 स्विंग ट्रेड्स भी प्रोवाइड करवाए हैं जो मैंने खुद बाय कर रखे थे, तो वहाँ पर भी लोग बहुत लोग अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये हमारा ऑफर अभी भी स्टिल वैलिड है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पर्टिकुलर जो मंथली चार्जेस होते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप लोग सिर्फ स्विंग ट्रेड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए चाहते हैं कुछ इस तरीके के स्टॉक्स, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को इसके बारे की सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बढ़ते हैं सीधा चार्ट्स की तरफ। तो आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को निफ्टी पे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और मैं आप लोगों को ये लेवल भी दिखा देता हूँ। ये लेवल देखिएगा, हमने आपको क्या कहा था, एक हायर साइड की रेंज में है, हायर साइड की, और जब भी नीचे आता था एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद तो अपने प्रीवियस हाई पे ये रुकता था, उसके बाद दोबारा ऊपर चले जाता था। तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपना प्रीवियस हाई पे रुका, प्रीवियस हाई पे रुकने के बाद दोबारा हमने देखा एक स्ट्रांग मूवमेंट आई, और स्ट्रांग मूवमेंट आने के बाद क्लोजिंग भी उसके ऊपर जाके कर चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आ रही है कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो इस लेवल पे आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये लेवल है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 11100 का लेवल एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है, 11100 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल बार यहाँ पर हॉल्ट करा, पॉज लिया, और पॉज लेने के बाद एक स्ट्रांग ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद दोबारा में एक मूवमेंट दिख रहे हैं। अब कल अगर इसके अंदर क्लोज कर जाता है, कल अगर 11130 के ऊपर क्लोज कर जाता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि आज का दिन इंपॉर्टेंट है और कल का दिन इंपॉर्टेंट था, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट दिन निकल गए हैं। अगर कल 11130 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि 11500 भी आ सकता है। ओके, सो हम लोग वेट करते हैं, पॉज करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, बट हमें शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है, शॉर्ट हम नहीं करेंगे। कल अगर इंट्राडे पे ये 11130 के ऊपर निकलना शुरू होता है तो हम लोग बाई की मोमेंटम बना सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी था, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं बैंक निफ्टी पे, मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी यही चीज बोली थी कि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉटम टाइप सिनेरियो है, ये देख सकते हैं ट्रिपल बॉटम टाइप सिनेरियो है, तो यहाँ से ये एक मूवमेंट आ सकती है, बट अगर इसके नीचे जाएगा तो एक हेवी सेलिंग आ जाएगी, एक पैनिक सेलिंग आ जाएगी, बट इसके नीचे नहीं गया और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है और बाइंग आई, और मैंने कहा था अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो हम दोबारा एक बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। अब ये दोबारा यहाँ पर एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी, तो रीटेस्ट के जो लेवल्स आ रहे हैं अराउंड, मैं आपको बता दूँ तो 21,800 से लेके 22,000 के लेवल्स तक है। ठीक है,
तो अगर कल ये गैप अप 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपन होता है या फिर इसी प्राइस पे खुलता है, मैं कहूंगा कि ये गैप अप भी ना हो, इसी प्राइस पे खुले, तो हम लोग एक कल इंट्राडे पे बाइंग बना सकते हैं और फिर हम लोग मार्केट पे ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमने स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स पे सबसे पहला स्टॉक जो आता है गाइस वो आता है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला था कि अगर पैनिक सेलिंग आएगी तो ये सबसे पहला शॉर्ट होगा, बट वहां से ये हॉल्ट कर गया। मैं आपको ये लेवल दिखा देता हूँ, या ये लेवल देखिएगा आप, इस लेवल से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या काम कर रहा है, ये बॉक्स काम कर रहा है अपने रेजिस्टेंस का, ठीक है, और ये बॉक्स क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैस बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी पैटर्न है, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बना। उसके बाद अगर मैं आपको ये हटाता हूँ और आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, या जूम करके अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फॉल आई। फॉल आने के बाद जब मैंने टॉप्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो उसका ब्रेकआउट आज दे चुका था, ब्रेकआउट दे चुका है, तो कल हम लोग इसको भी ट्रेड करके चल सकते हैं। और अगर ये 352 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो कल मुझे लगता है कि एक बैंक निफ्टी अगर मूवमेंट देता है अच्छी, तो ये कल 365 तक भी जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, कल अच्छा ट्रेड मिल सकता है आपको हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर बैंक निफ्टी भी मूव करता है। मदर्स एंड सुमी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, या ये पर्सनल जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास होल्ड हैं मेरे स्विंग ट्रेड पे, तभी ये मैं स्टॉक्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अब एक इस पैटर्न को क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ट्रेड करने की इस रेंज के अंदर जगह खत्म हो गई थी, उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट देखने के बाद हमने क्या देखा, आज के दिन उस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर गया, सस्टेन कर चुका है तो हम बाय बना सकते हैं। और बाय बनाने के बाद अगर मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, या जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हाई था और नीचे आया, यहाँ पर डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बनाया और अपने टॉप को ये ब्रेक कर चुका है। ये जो आप देख रहे हैं येल्लो कलर का जोन, इस येल्लो कलर के जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग कर चुका है, तो एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अगर कल ये पॉज लेता है तब भी हम इसको अगले दिन के लिए वॉच कर सकते हैं और बहुत बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस टाटा मोटर्स, ये भी मेरे पास होल्ड में है और मैंने आज इसमें अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो गिरावट आई है एग्जैक्ट मैंने अपनी क्लोजिंग के आसपास ही यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को और इंक्रीज करा है। सिमिलर पैटर्न है जो मदरसन सूबे में था, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है गाइस, मेरे कुछ फेवरेट पैटर्न है जिसकी उसी के थ्रू मैं स्टडी करता हूँ और उसी के थ्रू मैंने बजाज फाइनेंस, फिन लैब और सारे एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। और आप देख सकते हैं ब्रेकआउट आया, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पोजिशन थी ना, ये पर्टिकुलर पोजिशन इसके ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद आज इसने हॉल्ट करा है, होल्ड करने के बाद कल अगर इस लेवल के ऊपर दोबारा निकलना शुरू करता है तो एक दोबारा एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बना सकता है, तो कल इसे हम वॉच करेंगे और बहुत बढ़िया ट्रेड इसमें भी हमें कल मिल सकता है। अब आते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है और मुझे अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी में हो रहा है। या अब आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, और मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पर अभी डिक्रीज करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर हाइज बन रहे थे, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2-3 दिन हॉल्ट करा क्योंकि अपर राइजिंग चैनल था, अपर राइजिंग चैनल पे आप देख सकते हैं, दोबारा दिखा देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई, 3 दिन हॉल्ट करा, एक फ्लैग टाइप पैटर्न था, फ्लैग टाइप पैटर्न आने के बाद एक ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट देने के बाद अपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से भी आ चुका है बाहर। अब गाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे अगर एक अपर राइजिंग चैनल पे कोई शेयर चल रहा होता है और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबल होता है कि वो ब्रेकआउट 1 या 2 दिन ही सस्टेन कर पाएगा, उसके बाद नीचे आ सकता है। तो इसको हम लोग सिर्फ कल इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट के इस पर नहीं जाएंगे। अगर 3-4 रुपये भी मिलते हैं तो भी हम लोग अपनी पोजिशन को एग्जिट बनाएंगे और मैं यहाँ पर अपनी 30 या 40% क्वान्टिटी भी कल एग्जिट कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टॉक आते हैं लास्ट, जो कि है रिलैक्सो।
अब रिलैक्सो पे मैं आप लोगों को बाई की सलाह दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं जितने भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ और मैं सेम स्टॉक्स रिपीट करता हूँ, क्योंकि जो एनालिसिस होती है, जो पैटर्न्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। वो पैटर्न्स आ गया, ब्रेकआउट आ गया तो हमने ब्रेकआउट पे आप लोगों को बाय दे दिया, थोड़े दिन बाद हमने देखा रीटेस्ट करा तो रीटेस्ट पे बाय दे दिया। तो एक स्टॉक में हमें पर्टिकुलर हर दिन ट्रेड मिल सकते हैं, सिर्फ देखना आना चाहिए। तो हम लोगों को देखना आता है तभी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने आप लोगों को इस लेवल पे भी शॉर्ट की सलाह दी थी, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस को, और मैंने कहा था कि ये लेवल है। क्यों? क्योंकि इस रेंज के अंदर दोबारा आ गया, तो इस रेंज के अंदर दोबारा आने के बाद हम इस लेवल तक आएगा। इस लेवल तक आया, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई और एक ब्रेकआउट दे चुका है इस लेवल पे। अब आप देख सकते हैं ब्रेकआउट आ चुका है, तो हम लोग दोबारा बाय बना सकते हैं और ये कल 3620 से लेकर 625 तक आ सकता है। तो जो भी परफेक्ट एंट्री और टारगेट या स्टॉप लॉस होंगे, हम नीचे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और अगर आपको सर्विस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊं तो देख सकते हैं ये मेरा फेवरेट स्टॉक था जिसमें मैंने अपनी क्वांटिटी डबल करी है। आज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इस वाले स्टॉक, और यहां पर मैंने अपने क्लाइंट्स को आज प्रोवाइड कराया, बट मेरे पास पहले से ही होल्ड था। या आप ये लेवल देख सकते हैं, मैंने आपको अभी तक इतने टाइम से एनालिसिस सिखा रहा हूं ना कि ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। तो जब नीचे आता है, जब दोबारा रिटेस्ट करता है, तो अपने प्रीवियस हाई पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अपने प्रीवियस हाई पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अपने प्रीवियस हाई पे आता है। तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, प्रीवियस हाई पे इसने रोका और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन बनाई थी इस लेवल पे। मैं इस लेवल पे नहीं, अराउंड मैंने थोड़ा सा ऊपर बनाया था, 1738 1734 के आसपास अपनी मैंने पोजीशन बनाई थी, और मैंने आज के दिन अपनी क्वांटिटी को डबल कर लिया है। जो मेरे पास स्टॉक्स थे होल्ड में, मैंने आज डबल भी कर लिए थे। आप देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद एक अपर राइजिंग ट्रेंड चैनल के ऊपर का भी ब्रेकआउट आया, और दूसरी बात यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये देख पा रहे हैं, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। मेरा टारगेट ये है, इस टारगेट पे मैं अपनी 70% क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा और 30% क्वांटिटी मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, ठीक है। ये कुछ मेरे स्विंग ट्रेड्स होते हैं और ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कुछ एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं, सो इसी के साथ मैं वीडियो पॉइंट करता हूँ। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन पर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा, वीडियो लाइक करेगा कि मैं आपके लिए और ऐसे स्टॉक्स की वीडियो लेकर आते रहूँ, प्लस स्विंग ट्रेड के एनालिसिस भी लेकर आते रहूँ। तो 500 लाइक्स आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक स्विंग ट्रेड लेकर आऊंगा जो कि मैं खुद बाय कर सकता हूं। मैं जनरली हर दो दिन में एक शेयर बाय करता हूं स्विंग ट्रेड के लिए, और मैं उसके बाद उसे एक हफ्ते के अंदर निकाल देता हूं। सो आप लोगों के लिए भी लेकर आऊंगा मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।